नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टीपल एंड मल्टी लेवल ये दोनों अलग अलग टाइप्स से इनहेरिटेंस के, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, ओके। सो दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैंने यहाँ पे VS Code को ओपन कर लिया है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ मल्टी लेवल, ठीक है, .cpp, ओके। उसके बाद मैं जो चीज़ें हैं ना, हेडर फाइल वगैरह वो डाल देता हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यार, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को डाल दिया है। तो पहली बात, मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ कि शायद बीच से आपको आवाज़ आ रही होगी, बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने डाल लिया है। अब हम बात करने वाले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक जो फीमेज है उसको ढूंढ रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास होता है, ओके, ए, और उसके ऊपर से हम बनाते हैं क्लास बी, मतलब कि ए के फीचर्स को इनहेरिट करके हम बनाते हैं बी क्लास को, ठीक है। मतलब कि बी में हम ए क्लास के फीचर्स को यूज़ कर पाते, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्लास होती है डिराइव क्लास, जो हम बनाते हैं बी की मदद से, मतलब कि बी के जो फीचर्स है उनको इनहेरिट करके हम सी बनाते हैं। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास होता है, उसके ऊपर से हम अनदर कोई क्लास तैयार करते हैं जिसे हम कहते हैं डिराइव क्लास, ठीक है। और दूसरे किसी क्लास के लिए ये जो डिराइव क्लास है ना, ये बेस क्लास की तरह ऐड करता है, ठीक है। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन में जाऊँ, तो देखो इसकी डेफिनेशन अगर मैं देखूँ तो क्या है, देखो, द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इंक्लूड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू और मोर देन टू क्लासेस। वन क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास, जैसे कि बी को हम ए से इनहेरिट कर रहे हैं, राइट, एंड द न्यूली क्रिएटेड सब क्लास बिकम द बेस क्लास फॉर द अनदर क्लास। जैसे कि सी के लिए बी जो है एक बेस क्लास है, ओके, सी में बी के फीचर्स को हम एक्सेस कर पाएंगे, सी में हम बी के फीचर्स को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। तो मैं अब आ चुका हूँ VS Code के अंदर। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ के जो बेस क्लास होगी, क्लास बेस, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल में जाना नहीं चाहता, नहीं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट आपको दिखा सकता हूँ कि एक वेरिएबल बना दिया मैंने प्राइवेट, उसके बाद मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, वो मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक पब्लिक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, जिसका नाम होगा ए, ठीक है, इंटीजर ए, और इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सेमी कॉलर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी जो क्लास है ना, इसी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे नीचे डालता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्लास में डालता हूँ डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड 1 करता हूँ, क्योंकि ये डिराइव्ड फर्स्ट क्लास है जो बेस क्लास की मदद से हम बना रहे हैं, बेस क्लास के फीचर्स को हम इनहेरिट करके ये डिराइव क्लास बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोलन एंड पब्लिक, यहाँ पे मैं डालता हूँ पब्लिक एंड बेस, ठीक है, मतलब कि डिराइव क्लास जो है ये बेस क्लास के ऊपर से हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए की जगह बी डाल देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो चुका है, देखो बेस क्लास का जो ए है ना, वो डिराइव क्लास में भी एक्सेसिबल है। तो डिराइव क्लास में अभी ए और बी दो वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, इसको मैं अगेन करता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीजर सी करता हूँ, ठीक है, इंटीजर सी। तो ये जो है ना ए इंटू बी, ये होना चाहिए, क्यों, देखो बेस क्लास का जो ए है वो इनहेरिट होकर आ चुका है डिराइव क्लास में, ठीक है। अब वो डिराइव क्लास के पब्लिक सेशन में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी मोड पब्लिक है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो बेस क्लास है, यहाँ पे मैं बेस क्लास को नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिराइव क्लास 2, ठीक है। अब ये डिराइव क्लास 2 जो है, ये हम इनहेरिट कर रहे हैं डिराइव क्लास 1 के ऊपर से, ठीक है। तो डिराइव्ड 1, तो क्या हो चुका है, डिराइव क्लास का जो बी है और ए बेस क्लास का जो ए है, जो अभी डिराइव्ड में है, ओके, डिराइव्ड 1 में है, तो वो अब डिराइव्ड होके आ चुके हैं डिराइव्ड 2 में, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं ए इंटू बी कर सकता हूँ, ओके,
और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ void result, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर रिजल्ट को डिस्प्ले करा दूँगा सिर्फ cout, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आंसर को प्रिंट कर देता हूँ। मल्टीप्लीकेशन इज स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यार आज तो, मल्टीप्लीकेशन इज, और इसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ सी, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव टू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसी भी और क्लास का नहीं, ठीक है। तो पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद डिराइव्ड टू, उसके बाद डी ई आर, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल लगाऊंगा रिजल्ट फंक्शन को, ठीक है, रिजल्ट, और उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग सर्कल ब्रैकेट और सेमी कॉलन। अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि ये रन हो गया नहीं। तो ऑब्वियसली ये रन होगा, यहाँ पे 100 लिख के आ चुका है, ओके। तो 100 क्यों, समझ में आ रहे हैं, पहले क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके बाद रिजल्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया जाएगा जो डिराइव क्लास 2 में है, ओके, डिराइव 2 क्लास में है, राइट। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद ये सी को कॉल लगाया जाएगा। सी कहाँ पे, सी है यहाँ पे, तो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो क्या होगा, ए इंटू बी होगा, ए में 10 है और बी में भी 10 है, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे जो फीचर्स है वो इनहेरिट होंगे। देखो, अगर मैंने यहाँ पे जो मोड है पब्लिक रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली बेस क्लास में जो प्राइवेट मेंबर्स है वो नहीं इनहेरिट होंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक मेंबर्स है वो बन जाएंगे पब्लिक मेंबर इस डिराइव क्लास के। अब सपोज करते कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोटेक्टेड, तो क्या होगा, तो क्या होगा, बेस क्लास में जो पब्लिक मेंबर्स है और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो डिराइव वन क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिराइव टू में यहाँ पे भी अगर मैंने कर दिया प्रोटेक्टेड, तो क्या होगा, यहाँ पे जो पब्लिक है और प्रोटेक्टेड है वो दोनों डेटा मेंबर्स आ जाएंगे डिराइव टू क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में, ठीक है। तो ए और बी जो है वो इस डिराइव टू क्लास में बन चुके हैं प्रोटेक्टेड, अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर विजिबिलिटी मोड रखूँ तो, ओके। तो यार आपको पता होगा कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, उसको मैं इसी क्लास के अंदर और इसी क्लास के डिराइव क्लास के अंदर यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं डिराइव जो हमारे मेंबर्स हैं यहाँ पे बन चुके हैं ए और बी, उनको मैं यूज़ कर पाऊँगा इस फंक्शन में, मतलब कि इस लाइन में, ठीक है। सी इज इक्वल टू ए इंटू बी में मैं उनका यूज़ कर पाऊँगा, और ये काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड। तो क्या होगा, बेस क्लास के जो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स है वो डिराइव वन क्लास के प्रोटेक्टेड सेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मेंबर्स है प्रोटेक्टेड में और बी जो है वो है पब्लिक, तो दोनों बन जाएंगे इस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स, मतलब कि डिराइव टू क्लास के वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। और इन मेंबर्स को मैं इसी क्लास के अंदर यूज कर पाऊँगा, C इज इक्वल टू ए इंटू बी हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा 100, ठीक है। आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लीकेशन इज 100, तो कोई भी डिफरेंस नहीं आया हमारे आउटपुट में, क्यों, क्योंकि पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड जो है ये दोनों जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं उनका जो यूज़ है वो सेम है क्लास में एंड डिराइव क्लास में, बट डिफरेंस ये है कि प्रोटेक्टेड मेंबर जो है उसको आप क्लास के बाहर किसी फंक्शन में यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं कहने की कोशिश करूँ कि क्या है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तो क्या है, यहाँ पे एक बेस क्लास है सपोज ए, उसके ऊपर से उसके फीचर्स को इनहेरिट करके मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है बी, और इस बी के फीचर्स को इनहेरिट करके मैंने बना दिया एक नई क्लास जिसका नाम है सी, ओके। तो ए जो है एक बेस क्लास है और बी जो है वो ए क्लास की डिराइव क्लास है, ठीक है, और सी जो है वो बी क्लास की डिराइव क्लास है, ठीक है। तो C के लिए B जो है वो एक बेस क्लास की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक्स स्पेसिफायर को ढंग से यूज़ करो तो आप A के फीचर्स को यूज़ कर पाओगे C में, ओके। बट क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट लग दिया तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे रख दिया प्राइवेट तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली जो A जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा नीचे, क्योंकि क्या होगा, बेस क्लास का जो A है वो डिराइव क्लास के प्राइवेट सेक्शन में चला जाएगा,
उसके बाद डिराइव टू क्लास में हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने एक्सेस स्पेसिफायर का अच्छे से यूज़ कर लिया तो आप ए क्लास के फीचर्स को भी डिराइव क्लास में यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको रिस्ट्रिक्शन डालने हैं तो ए क्लास के बाद आप प्राइवेट डाल सकते हो। तो अगर आपने विजिबिलिटी मोड दूसरी क्लास के लिए प्राइवेट रखा तो आप बेस क्लास के किसी भी फंक्शन का यूज़, किसी भी मेंबर का यूज़ आप डिराइव टू क्लास में नहीं कर सकते, ठीक है। सो यार अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।